हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है धीरज। आप देख रहे हो डीएमडी क्रिक पॉइंट। दोस्तों, जैसे ही टीम इंडिया की न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 टेस्ट मैच की सीरीज और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलते हुए देखने को मिलने वाली है। दोस्तों, BCCI की तरफ से इस सीरीज का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है और दोस्तों स्क्वाड भी अनाउंस कर दी गई है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि इस बार टीम इंडिया में किस किस को मौका दिया गया है और किस की टीम इंडिया से छुट्टी कर दी गई है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए IPL से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ सबसे पहले 4 मैच की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है, उसके बाद दोस्तों वो 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है। और दोस्तों, टीम इंडिया के लिए इस टेस्ट सीरीज में जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना चाहती है, तो इस सीरीज को उसे जीतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल के बारे में कि जो टेस्ट मैच होने वाले हैं 4, उनका पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, कौन से ग्राउंड पर आप लोगों को मैच देखने को मिलने वाले हैं और किस डेट पर दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वनडे के बारे में और लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा पूरी स्क्वाड के बारे में जो कि 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया की तरफ से अनाउंस की गई है। दोस्तों, बात करें सबसे पहले शेड्यूल के बारे में जो कि टेस्ट मैचों का है, तो आप लोगों को पहला टेस्ट मैच 9 फरवरी से देखने को मिलने वाला है जो कि 13 फरवरी तक चलने वाला है। उसके बाद दोस्तों, दूसरा टेस्ट मैच की बात करें तो ये आप लोग 17 फरवरी से देखने को मिलने वाला है और ये दोस्तों 21 फरवरी तक चलने वाला है। ये दोस्तों दिल्ली के ग्राउंड पर होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, तीसरा टेस्ट मैच आप लोगों को 1 मार्च से देखने को मिलने वाला है और ये 5 मार्च तक चलने वाला है। ये धर्मशाला के ग्राउंड पर होगा। और दोस्तों, जो चौथा टेस्ट मैच है, ये आप लोगों को 9 मार्च से देखने को मिलने वाला है और ये 13 मार्च तक चलने वाला है। और दोस्तों, ये मैच होने वाला है अहमदाबाद के ग्राउंड पर। दोस्तों, जो पहला टेस्ट मैच होने वाला है वो दोस्तों नागपुर के ग्राउंड पर होने वाला है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं वनडे मुकाबलों के बारे में और वनडे मुकाबले भी टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसी साल टीम इंडिया खुद से होस्ट कर रही है ODI वर्ल्ड कप। तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप को जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, तो यहां पर दोस्तों वनडे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात करें वनडे मैचों के शेड्यूल के बारे में, तो सबसे पहला वनडे मुकाबला आप लोग को मुंबई में देखने को मिलने वाला है जो कि 17 मार्च को होने वाला है। दूसरा वनडे मुकाबला आप लोग को 19 मार्च को देखने को मिलने वाला है जो कि दोस्तों आप लोग को विशाखापट्टनम में देखने को मिलने वाला है। और तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला आप लोग को चेन्नई में देखने को मिलने वाला है जो कि 22 मार्च को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, वनडे मुकाबलों के लिए अभी टीम इंडिया की तरफ से कोई भी स्क्वाड अनाउंसमेंट नहीं की गई है। अभी स्क्वाड अनाउंसमेंट की गई है तो केवल 2 टेस्ट मैचों के लिए जो कि आप लोगों को स्टार्टिंग में देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं स्क्वाड के बारे में कि जो 2 टेस्ट मैच होने वाले हैं उनमें दोस्तों कौन कौन से प्लेयर को यहां पर मौका दिया गया है। दोस्तों, बात करें टीम इंडिया की पूरी स्क्वाड के बारे में जो कि पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए अनाउंस की गई है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बैटर्स के बारे में कि कौन कौन से बैटर्स को मौका दिया गया है। दोस्तों, आप लोग को कैप्टन रोहित शर्मा देखने को मिल रहे हैं, दूसरे नंबर पर सुमन गिल और तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा और 4 नंबर पर आप लोग को विराट कोहली और 5 नंबर पर श्रेयस अय्यर और 6 नंबर पर सूर्यकुमार यादव देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि सूर्यकुमार यादव का इस टेस्ट सीरीज में यहां पर डेब्यू हो जाए और आप लोग को सूर्यकुमार यादव इन 2 टेस्ट मैचों में खेलते हुए देखने को मिल जाए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में, तो यहां पर ऑलराउंडर में आप लोग को रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और दोस्तों यहां पर आप लोग को रविचंद्रन अश्विन देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन के बारे में कि कौन कौन से विकेट कीपर को यहां पर मौका दिया जा रहा है। तो यहां पर दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन में 3 विकेट कीपर को जोड़ा गया है। सबसे पहले हैं KL राहुल, दूसरे हैं श्रीकर भरत और तीसरे हैं ईशान किशन। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं बॉलर्स के बारे में कि कौन कौन से बॉलर्स इस टेस्ट सीरीज में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग स्पिनर कुलदीप यादव देखने को मिलने वाले हैं, उसके बाद मोहम्मद शमी और उसके बाद दोस्तों आप लोग को मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और जयदेव उनादकट देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी टीम इंडिया की पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए पूरी स्क्वाड और मैंने आप लोग को पूरे शेड्यूल के बारे में भी बता दिया टेस्ट मैचों के, वनडे मैचों के। तो जो भी जानकारी निकल के सामने आई थी मैंने आप लोग को इस वीडियो में पूरी बता दी। बाकी दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो इस टेस्ट सीरीज को क्या टीम इंडिया जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी और क्या टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी और फाइनल जीतेगी या फिर नहीं जीतेगी, आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए IPL से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो नेट अप साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।